आज चैप्टर वन सेट की बची हुई मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चन को फिनिश करने जा रहे हैं। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट थर्ड है जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी फाइन हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नोर कॉफी। तो सर्वे हुआ 600 स्टूडेंट के ऊपर जिसमें से कुछ बच्चे टी पी रहे और कुछ बच्चे कॉफी और कुछ बच्चे दोनों चीजें, और हमें बताना है कि कितने बच्चे ऐसे जो कुछ भी नहीं पी रहे। इसका मतलब जो 600 स्टूडेंट दे रखा है और जैसा कहा भी है कि वो सर्वे था, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते। टोटल स्टूडेंट थे 600, तो उसे हम लिख सकते एन यू के बराबर। दोनों चीजों का यूनियन करके इसको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं है जो दोनों के अंदर आ रहे हो, कॉफी और टी वाले। 150 स्टूडेंट टी वाले थे, 225 कॉफी वाले, और 100 ऐसे बच्चे थे जो टी और कॉफी दोनों को कंज्यूम कर रहे। तो फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि टोटल यहां पे कितने बच्चे हुए जो कोई एक चीज तो कंज्यूम कर रहे। तो फॉर्मूला था एन टी यूनियन सी का, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी की वैल्यू हमारे पास है 150, एन सी की वैल्यू है 225 और दोनों की इंटरसेक्शन की 100। 150 में से 100 माइनस कर लेते हैं, 50 बचेगा, 225 में जोड़ देंगे 275। अब हमें यह निकालना है कि कितने बच्चे ऐसे जो दोनों में से कुछ भी नहीं लेते। तो ये दोनों में से कुछ लेने वाले बच्चे मतलब कुछ एक ना एक चीज तो लेते ही है, तो जो कुछ भी नहीं लेते इसका मतलब हमें निकालना है एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इसके अलावा किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। इसका मतलब हमें यूनिवर्सल सेट में से दोनों का यूनियन माइनस करना है। तो टोटल थे 600, माइनस किया इसमें से इनका यूनियन मतलब 275, तो टोटल मिला गया है 325। मतलब 325 बच्चे ऐसे थे जो दोनों में से कुछ भी चीज कंज्यूम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नोन हिंदी, तो इसे लिख लेते एन एच के थ्रू। फिफ्टी नॉन इंग्लिश एन ई के थ्रू बता देते, एन 25 नो बोथ, और 25 में जो दोनों लैंग्वेज जानते मतलब इंटरसेक्शन दोनों का। ईच ऑफ द ग्रुप नोन आइदर हिंदी और इंग्लिश, पहले वाले में कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों में से किसी भी ग्रुप में नहीं थे, पर यहां पे दे रखा है कि सारे बच्चों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जानते ही है सब बच्चे। और हमसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो कितने बच्चे उस ग्रुप में है ये बताना है। तो इनके अलावा तो कोई भी बच्चे नहीं है, इसका आंसर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाए यूनियन का, एच यूनियन ई फार्मूला हो जाएगा एन ई प्लस एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एन ई की वैल्यू 50 है, एन एच की 100, माइनस कर देंगे 25, तो 50 में से 25 माइनस कर 25 बचता है, 100 में जोड़ दे तो 125। तो टोटल मिला के 125 स्टूडेंट थे उस ग्रुप में जिनमें से हर एक बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज तो जानता है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है इन द सर्वे ऑफ 60 पीपल के ऊपर सर्वे हुआ, इट फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एज, तो इसे नोट कर लेते एन एज इक्वल टू 25, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, इसे कर लेते एन टी के नाम से, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, इसे एन आई के नाम से कर लेते, 9 रीड बोथ एच एंड आई,
एच एंड आई नाइन हो गया। इलेवन रीड बोथ एच एंड टी एंड एच इंटरसेक्शन टी इलेवन हो गया। एट रीड बोथ टी एंड आई एन टी इंटरसेक्शन आई एट हो गया। थ्री रीड ऑल थ्री न्यूज़पेपर और तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले काफी टाइम है उनके पास या आईएएस एस्पिरेंट होंगे शायद तक वो है टोटल नंबर थ्री। तो पहला बीट है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हमें पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। एक न्यूज़पेपर मतलब जो या तो एच या टी या आई में आए चाहे उन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाए चाहे तीनों के इंटरसेक्शन में आ जाए पर एक एक बार तो कहीं ना कहीं तो आए। इसका मतलब हमें निकालना है एन एच यूनियन टी यूनियन आई। और इसका फार्मूला हमने देखा था जब हम इसके एग्जाम्पल्स कर रहे थे मिसलेनियस के तब हमने इसका फार्मूला देखा था वो था तीनों का एक एक बार प्लस करना है और दो चीजों के इंटरसेक्शन को माइनस करते जाना है इसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर देना है। अब वैल्यू पुट कर देते एन टी था 26 एन एच 25 प्लस एन आई ए 26 माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन है 9 एच और टी का इंटरसेक्शन है 11 और टी एन आई का इंटरसेक्शन है 8 प्लस करना है तीनों का इंटरसेक्शन। सोलो करके देखे 11 और 9 टोटल मिलाकर होता है 20 और 8 हो जाएगा 28। ये माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए तो ये टोटल हो गया माइनस 28। अब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 2 फिर इसमें से एक माइनस करके इसमें से एक माइनस करते तो पता पड़ेगा मेरे पास दो बार 25 मतलब 50 और 2 52 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट मतलब 52 पेपर ऐसे जो कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हैं। सेकंड बिट को देखें उसमें पूछा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे पीपल्स बता रहे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर के लिए देखें हम टोटल मिलाकर हमारे पास 52 पर्सन है जिसमें से एच और आई का इंटरसेक्शन देखें। चलो इसे पेन डायग्राम से कर लेते काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। इसे मैं मान लेता हूं एच इसे टी और इसे आई। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन है 3 मतलब ये बीच वाला पार्ट है ये हो गया 3। अब एच और आई का इंटरसेक्शन है 9 इसका मतलब एच और आई का ये पूरा इंटरसेक्शन था 9 अब ये तो हो गया 3 तो ये बचा वाला कितना हो गया 6। एच और टी का इंटरसेक्शन था 11 एच और टी का इंटरसेक्शन है 11 तो ये पूरा 11 है तो 3 इसमें से हटा दे क्योंकि 3 तो इतना वाला पार्ट है मतलब 3% तो ऐसे जो तीनों का पार्ट है और एच ओ टी को काउंट करेंगे जो एच ओ टी को पढ़ रहा है उसमें भी तीनों वाले आ गए थे इसलिए उस थ्री को हटाते 11 में से तो हमारे पास बचते 8 तो 8 ऐसे जो केवल दो अखबार पढ़ रहे। अब टी और आई का इंटरसेक्शन देखे 8 जिसमें से 3 तो सारे अखबार पढ़ रहे थे इसलिए वो तीनों को हटाते तो केवल टी और आई को पढ़ने वाले टोटल पर्सन 5 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। इसका मतलब अब सिंगल वाले कितने बच्चे हमारे पास टोटल पर्सन थे 52 इसमें से 3 थे जो सब पढ़ रहे और सिंगल वाले निकालने से 3 माइनस कर देंगे ऐसे ही 6 8 और 5 भी माइनस कर देंगे क्योंकि वो एग्जैक्टली तो अखबार पढ़ रहे थे तो माइनस 6 माइनस 5 और माइनस 8 तो 3 और 6 9 9 और 5 14 और 8 22 तो 52 माइनस 22 इक्वल टू 30 तो 30% ऐसे थे जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इसका मतलब इतने पार्ट में जितने भी पर्सन आ रहे वो सब। क्वेश्चन 16 की तरफ चले इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। लिखते भी जाते 21 पीपल है प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले 26 लाइक प्रोडक्ट बी एन भी हो जाएगा 26 एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी एन सी 29 इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी ए और बी दोनों को पसंद करने वाले 14 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए
सी और ए दोनों को पसंद करने वाले हैं, 12। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी को पसंद करने वाले 14। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, और 8 है जो तीनों मतलब ए बी और सी तीनों को पसंद कर रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो ऐसे पर्सन निकाल रहे हैं जो केवल प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, तो ये भी काफी इजी हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम की हेल्प ले तो जरूर से ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि इसी एग्जांपल को ले ले जो भी हमने यहां पे लिया था, अगर ये ए बी और सी को पसंद करने वाले पर्सन से तो एन सी की वैल्यू दे रखी 29, मतलब ये टोटल मिला के 29। अब इसमें से हमें बता रखा है कि तीनों पसंद करने वाले लोग हैं 8, तो बीच में जो कॉमन आ रहा है तीनों का इंटरसेक्शन वो तो हो गया 8। अब यहां बचे हुए कितना पार्ट है उसको देखें, ए और सी को पसंद करने वाले लोग थे 12, जिसमें से 8 तो आ गए जिसमें बी भी पसंद करते थे इन दोनों के साथ में, उनको हटा दिया अपन तो 12 में से 8 हटा दिए, इसका मतलब 4 पर्सन थे जो केवल ए और सी को पसंद कर रहे, ऐसे बी और सी को पसंद करने वाले टोटल तो थे 14, जिसमें से 8 तीनों को पसंद कर रहे, केवल बी और सी को पसंद करने वाले पीपल्स हो जाएंगे 6। तो एग्जैक्टली जो सी को पसंद कर रहे उसको निकालने के लिए टोटल थे हमारे पास 29 जो सी को पसंद करते थे, और सी के अलावा कुछ और को भी पसंद करते थे, इसमें से 8 थे जो तीनों को पसंद करते थे, 4 है जो एग्जैक्टली ए और सी को पसंद करते थे, और 6 है जो एग्जैक्टली बी और सी को पसंद करते थे। इसे सॉल्व करें तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 8 होते गए, तो 29 में से 18 माइनस करना है, माइनस करेंगे आंसर आएगा 11। तो 11 परसेंट ऐसे थे जो एग्जैक्टली सी को पसंद करते थे और सी के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करते थे। तो क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 सेट यहीं पे खत्म होता है। इस लेसन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और इसकी अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि जैसा बताया था ये बाद में भी हमें काम आने वाला है। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में लेसन 2 के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।